हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जिस चीज़ का इंतज़ार था वो इंतज़ार ख़त्म हुआ और एक बार नज़ारा देखिए आप। तो कुछ इस तरह का नज़ारा यहाँ पर है फ्रेंड्स। पहाड़ी पूरी ढकी हुई है बर्फ़ से और बर्फ़ के पड़ने की वजह से जो नज़ारा यहाँ पर शानदार दिख रहा है देखिए आप। अभी सुबह के बज रहे हैं 10:15, तो कुछ हद तक तो बर्फ पिघल चुकी है, जो है वो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं कुछ खास स्पॉट पे जहाँ से कुछ नज़ारा और बेहतरीन हो। मौसम काफ़ी अंधेरा है बादलों की वजह से, शायद और बर्फ़ पड़ेगी ना शाम तक। ये धूप पड़ रही है, फिर यही बर्फ़ पिघल दी, इसका भाप धीरे धीरे फिर ऊपर को निकल रहा है जिससे काफ़ी अंधेरा दिख रहा है। कुछ ऐसा नज़ारा इस मुंशहरी का इस बर्फ के टाइम पर। तो फ्रेंड्स, ऐसे मौसम में बाइक चला के हालत हो गई है बिल्कुल ख़राब। तो चल रहे हैं आगे, यहाँ पर देखते हैं किस तरह का नज़ारा दिखता है। बने रहिए फ्रेंड्स, ऐसे नज़ारे कम ही देखने को मिलते हैं। तो आज मौसम ज़्यादा ही ठंडा होने की वजह से पर्यटक लोग आए नहीं हैं, काफ़ी सुनसान है। क्योंकि दो दिन पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें हमें देखा था कि कई पर्यटक लोग आए थे थोड़ी सी लगी हुई, खिली खिली धूप थी और काफ़ी मस्ती कर रहे थे। तो आज टूरिस्ट लोग तो है नहीं, बस नज़ारे नज़ारे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए और नज़ारे बताइए किस तरह का लग रहा है आपको। गुड्डू भैया गए हैं आगे आज ऊपर इको पार्क, कह रहे थे वहाँ नज़ारे कुछ और बेहतर होंगे वहाँ इको पार्क के अंदर जाके देखेंगे। तो वहाँ स्टाफ है नहीं आज, तो अभी फ़ोन आया गुड्डू भैया का, तो कह रहे हैं कि आ रहा हूँ नीचे को, जस्ट यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर इको पार्क है और शायद उनसे भी मुलाकात हो जाएगी आगे। तो फ्रेंड्स पहुंच गया फाइनली नीचे से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर। आप यहाँ पे गुड्डू भैया से भी मुलाकात होगी। गुड्डू भैया ठीक है आप? बढ़िया सर, बढ़िया। आपने सर मिस कर लिया बहुत। अरे सर क्या करें, आप थोड़ा जल्दी में आ गए, मैं थोड़ा लेट हो गया। वही तो मैंने आपको कॉल किया था, लेकिन आपने तब तक तो घूम ही नहीं रहा था ना, ब्रेकफास्ट किया था, कुछ नहीं किया था। ब्रेकफास्ट भी नहीं था और मतलब फोन चार्ज भी नहीं था। चलो कोई नहीं, लेकिन अभी तो मैं गया था वहाँ, लेकिन क्या शानदार व्यू है वहाँ का इको पार्क का ना। लेकिन आपकी किस्मत नहीं है, वहाँ अभी कोई स्टाफ नहीं है। एक तो मौसम भी काफ़ी इतना अमेजिंग हो रहा है यहाँ पे। लेकिन एक बात है गुड्डू भैया, जैसे पिछली बार हमने 2 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, हाँ, तो उसमें काफ़ी टूरिस्ट लोग थे। मौसम अभी कोई नहीं है, अभी सुनसान है। सुनसान है क्योंकि अभी मौसम थोड़ा ही है ना, जब धूप लगेगी तो टूरिस्ट आ जाते हैं। तो यहाँ फोर व्हीलर में आए तो थोड़ा बहुत सही लगा उस टाइम। नीचे से आया उसे देखते सुनसान ही है सर। तो फ्रेंड्स सुनिए आपने गुड्डू भैया की बात है आगे, मतलब नज़ारे तो कई अच्छे हैं लेकिन माहौल थोड़ा शांत है यहाँ पे। तो एक बार नज़ारे देख लेते हैं यहाँ पे, फिर होती आगे बात। गुड वे चले। तो फ्रेंड्स चलना होगा आगे पैदल, क्योंकि 2 व्हीलर तो जा नहीं पा रही इसमें, जाएगी तो शायद थोड़ी देर थोड़े आगे तक ही, तो फिर वहाँ से फिर पैदल ही चलना पड़ेगा। तो हमने बाइक कर दी है पीछे खड़ी, लगभग 1/2 किलोमीटर पीछे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप बर्फ कितना ज़्यादा है इसमें, पैर लगभग 1 फीट तक धस चुके हैं। मौसम बन रहा है, शाम तक शायद फिर और बर्फबारी दिखेगी। अगर मौसम होता कुछ साफ तो नज़ारे और बेहतरीन हो सकते थे। तो फ्रेंड्स कैसे लगे आपको ये नज़ारे?
बताइएगा जो सोच रहे हैं आगे जाने की, लेकिन वीडियो ये कह रहे हैं कि आगे भी कुछ खास ऐसा ही है मौसम, आज काफ़ी अंधेरा अंधेरा है कोहरे की वजह से, तो मौसम बनना है बर्फबारी का, तो अब देखते हैं कि मौसम काफ़ी ठंडा है फ्रेंड्स। और चले हम गुड्डू भैया पीछे कुछ खास बातें करने में, तो नज़ारा आगे का भी काफ़ी शानदार है, लेकिन मौसम बिगड़ने वाला है, शायद बर्फबारी होगी, तो देखते हैं किस तरह का नज़ारा आगे देखते हैं, चलते हैं जहाँ तक देख पाते हैं, बने रहिएगा फ्रेंड्स। सो चलते हैं, देख सकते हैं किस तरफ टूरिस्ट लोग आते हैं इस बर्फ के मौसम में बर्फ का मजा लेने के लिए। तो फ्रेंड्स आगे जाना लग रहा है काफ़ी मुश्किल है क्योंकि बर्फबारी होने वाली है, तो गुड्डू भैया आवाज़ लगा रहे हैं, एक बार चलते हैं गुड्डू भैया के पास और देखते हैं क्या कह रहे हैं। गुड्डू भैया, गुड्डू भैया पूरे बर्फ को मजे लेते हुए, मौसम भी काफ़ी ठंडा है फ्रेंड्स, बताएं फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो, और कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, चलते हैं आगे पूछते हैं गुड्डू भैया से। गुड्डू भैया क्या करें, जैसा कहते हैं आप, जैसा कहते हैं आप, टाइम तो एक बजने का, चलो फिर, चलो फिर चलो। तो फ्रेंड्स गुड्डू भैया कह रहे हैं कि टाइम भी एक हो गया और चलते हैं नीचे, मौसम भी हो रहा ख़राब और बैटरी भी हो गई लो, तो फ्रेंड्स चल रहे हैं अभी नीचे को, वीडियो यहाँ पर ख़त्म नहीं होती फ्रेंड्स, आगे जाते जाते आगे कई स्पॉट पे फिर आपको कुछ नज़ारे दिखाई देंगे, तो यह है बाइक, होते सवार और बढ़ते आगे। देवदार के पेड़ का एक बेहतरीन नज़ारा, उनकी टहनी के ऊपर बर्फ अटकी हुई है, ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है। तो फ्रेंड्स पहुंच चुके थोड़ा नीचे मुंशहरी से, लगभग ऊपर से कितना चला गुड्डू भैया, दो किलोमीटर चल गए, छः किलोमीटर हो गया, लगभग छः किलोमीटर का रास्ता हो रहा है। गुड्डू भैया तो कह रहे जाना है जल्दी, लेकिन मैंने रोक लिया क्योंकि यहाँ पे नज़ारे कुछ खास थे, लेकिन मौसम काफ़ी ख़राब है, कोशिश करते हैं। तो बताइएगा फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, कुछ पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मिलते हैं आपको फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।